अरमान मलिक के अरमानों पर फिर गया है पानी। सोशल मीडिया पर आ गई है गुस्से की सुनामी। बिग बॉस के मेकर्स ने खेला फिर से डबल इविक्शन गेम और निकल गए लव कटारिया और अरमान मलिक। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये खुशखबरी है कि बिग बॉस ओटीटी 3 से बाहर हो गए हैं अरमान मलिक। वहीं आफ्टर इविक्शन मीडिया ने अरमान मलिक का इंटरव्यू लेना चाहा, मगर अरमान मीडिया से गुस्से में नजर आए। मीडिया से गाली गलौज करते नजर आए दो बीवे वाले अरमान मलिक। यहाँ तक कि मेकर्स को 22 तक कह दिया अरमान मलिक ने। आपको बता दें, अरमान मलिक से सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि फिनाले के इतने करीब आकर आपका इविक्शन हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो अरमान मलिक का जवाब था कि मैंने पूरे के पूरे सीजन अपने कंधे पर बिग बॉस को चलाया, मेरे अकॉर्डिंग मैं शो का विनर हूँ और कोई नहीं। मैंने इतना फर्क डाला है कि इसके बदले मुझे क्या मिला। मेकर्स मुझे ट्रॉल कर सकते हैं और मीडिया वाले और मेकर्स सभी पूरी तरह से मिले हुए थे। जिस तरह से मीडिया राउंड में आकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसमें मेकर्स का भी हाथ था। और मैं चाहता हूँ कि कृतिका मलिक भी इस शो से बाहर हो जाए, इस घटिया और बेहुदा शो में वो ना रहे। वही जब उनसे दूसरा सवाल पूछा कि जब आपने विशाल को थप्पड़ मारा तो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे बाकी के घर वालों को, वो गलत है। तो ये सवाल सुनते ही अरमान और गुस्सा हो गए और कहा कि मैं अपनी जगह पूरी तरह से सही था। घमंड जो है अरमान मलिक का, वो आखिर टूटा नहीं है, बल्कि और ज्यादा घमंड दिखाते हुए नजर आए अरमान मलिक। वही मीडिया ने पूछा, आप अपने दोनों बीवियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर कंटेंट बेचते हो और बिग बॉस के घर में आकर संस्कार दिखा रहे थे, ये संस्कार उस वक्त कहां गए जब पैसों के लिए आपने कंटेंट बेचना चाहा? तो इस पे अरमान मलिक रिपोर्टर को गालियां देते हुए नजर आए। वही दूसरे रिपोर्टर ने पूछा कि शिवानी कुमारी को आप दोगला और छोटा अखबार कहते थे, पर शो में जनानियों वाली हरकत तो आपकी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये सवाल सुनकर पहले से ही आग बबूला अरमान मलिक वहां से भाग गए मीडिया को बिना इंटरव्यू दिए। आपको बता दें, इस बार का बिग बॉस ओटीटी 3 बहुत अलग है। शो में जो लोग एंटरटेनमेंट दे रहे थे वो निकल गए और कृतिका सई नेजी जैसे लोग जो शो में एंटरटेनमेंट पर्पस से जीरो है, वो टॉप 5 में जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस कृतिका मलिक को विनर बनाना चाहते हैं। अब ये सच है या झूठ ये तो पता नहीं, पर आपको क्या लगता है, कृतिका मलिक बिग बॉस ओटीटी 3 जीतने के लायक है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।